सिंथेसिस ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स। अब देखिए गाइज, होता क्या है कि ये जो रिएक्शन है ना, इसी एटीपी की आपको याद थोड़ी याद कर लीजिए, यह बहुत बड़ा कंसेप्ट है लेकिन आपको सिर्फ ग्लूकोज के रिगार्डिंग आया, तो इसको आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपको या तो एटीपी पूछा जा सकता है, ये रिएक्शन याद कर लीजिए, 6CO2 + 12 NADPH, राइट, 6CO2 + 12 NADPH + 18 ATP गिव्स C6H12O6 + 12 NADP, राइट, ध्यान देखिए पीएच था इधर पी है, प्लस 18 ADP, राइट। अब देखिए आपको कुछ भी पूछा सकता है, ये रिएक्शन याद कर ले, 6CO2 + 12 NADPH + 12 ATP, 6C6H12O6 + 12 NADP + 18 ADP, यानी 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें, राइट। सो सिंपल क्या है कि आपको सिंथेसिस क्या की है कि कितने एटीपी गए हैं, यानी 18 एटीपी मिलेंगे, राइट। सो आपका आंसर इज ए।